नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक ढोलक का ताल, और जो कि आपको केवल थ्री बोल में ही बजाना है, 1 2 3, ठीक है। इसी में आपके ढोलक बहुत बेहतरीन तरीके से बजेंगे, आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि केवल तीन बोल से इतना शानदार ढोलक बज रहा। तो जी हाँ, बहुत अच्छा बजेगा, आप बस कोशिश करें और मैं सिखा रही हूँ, आप उसे बजाने की कोशिश करें। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे बजाना है आपको। बेस की साइड उठा लीजिए, जैसे ही आप पहले बेस है और वो आपका थपाक जिधर आप लगाते हो चाटी साइड है, ये सबको पता है, हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। तो आप बेस साइड आपको केवल 2 बार मारना है और चाटी के साइड आपको 1 बार मारना है, ठीक है। तो यही आपका ताल है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी से आपके ढोलक बहुत बेहतरीन तरीके से बजने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको ढोलक बजाने नहीं आएगा। जी हाँ, आपको जरूर आएगा, बस आपको क्या करना है, जो मैं बताती हूँ वैसे आपको बजाना है, वैसे ही आपको देखना है, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये ताल। और आपके कमेंट इतने ज्यादा आने वाले हैं भर भर के कि वाकई मैम बहुत ही अच्छा लगा ये ताल आज। तो ठीक है, तो आइए मैं आप लोग को अब शुरू करती हूँ, बताती हूँ कैसे आपको बजाना है। 1 2, आज आपको इस पे बंद बेस पे नहीं जाना है, केवल आपको खुले बेस पे ही रखना है अपने हैंड को। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये बहुत ही छोटा ये वीडियो है, बहुत जल्दी आपको आने वाला है, तो मैं आपको बस सिखा रही हूँ, बहुत ही जल्द आएगा आपको। 1 2 आपके बेस साइड हो गया। अब देखिए 3 3, गिर तो 2 बार रहा लेकिन उसकी काउंटिंग आपको केवल 1 बार करेंगे। 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3। देखिए, आपको इसकी काउंटिंग 1 रखनी है केवल, आप गिरा 2 बार रहे लेकिन इसको आपको काउंटिंग क्या करना है, केवल 1 ही बार काउंट करना है। 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3। आपको बजाना दो बार है, लेकिन इस दो काउंटिंग को आपको एक काउंटिंग करना है, मतलब इसकी काउंटिंग आपको एक ही रखना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए कि आपको ढोलक बजाने नहीं आएगा। ये जो मैं करती हूँ प्रैक्टिस, मैं खुद से अपने ताल को बनाती हूँ कि जिससे मेरे व्यूअर्स को कितना आसान लगे और कितनी आसानी तरीके से वो सीख सके। मैं खुद अपने ताल को करती हूँ, अपने ताल को बनाती हूँ और अपने ताल को देखती हूँ कैसे ये करेंगे तो उनको ईजी पड़ेगा। ऐसे मैं खुद इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद आपके सामने लेके आती हूँ, ठीक है। तो आप इसे जरूर पसंद किया करें और इसे जरूर सीखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही लेके आती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ कि जिससे आप लोगों को ये ना रहे कि आपको ढोलक बजाने नहीं आ रहा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब आप ताल में आ जाएंगे तो आपको यही बजेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई छोटा सा भजन ले लीजिए, कोई एक सरल तरीके, जैसे अभी एक भजन है जो बहुत दिन पुराना भजन है, बट सबके जुबान पे रहने वाला भजन है। सीता।
पे एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, बस आपको ऐसे बजाना है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये बहुत जल्द आने वाला ताल है जिसको बिल्कुल नहीं आता है, तो ये ताल एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करें, आपको जरूर आएगा। आप खुद भी खुद कमेंट करोगे कि वाकई में मैम हमको बहुत अच्छे तरीके से ये ढोलक बजाने आ गया। तो मैं एक अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें आप लोग।